कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री साक्षी गोपाल की जय। श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। गोविंद दामोदरम माधवेति हे कृष्णा हे यादवा हे सखेति। गोविंद दामोदरम माधवेति गोविंद दामोदरम माधवेति गोविंद दामोदरम माधवेति। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद नंदन गोपाल की जय। हे गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले। हे गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास हैशटैग GKD आज पहुंच चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत ही अद्भुत एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर में। मैं जगन्नाथपुरी धाम से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर। ये जो साक्षी गोपाल जी का मंदिर है पूरे संसार में पूरे ब्रह्मांड में केवल एक भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह है जो अपने भक्त के लिए चल पड़े। जो लोग कहते हैं कि भगवान मूर्ति में थोड़ी ना होते हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान पत्थर में नहीं होते हैं, भगवान साक्षी गोपाल जी की जो लीला है, थोड़ा सा आगे चलते हैं मंदिर के बिल्कुल निकट चलते हैं। साक्षी गोपाल की जय हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान पत्थर में नहीं होते हैं, जो लोग कहते हैं कि यार भगवान हमारी सुनते नहीं है, भगवान हमारे लिए कुछ करते नहीं है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पैर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। भगवान साक्षी गोपाल जी का मंदिर कि बहुत ही प्यारी लीला है। बड़े संक्षिप्त रूप में मैं आपको सुनाऊंगा साक्षी गोपाल जी की लीला क्या है और उसके बाद हमारे साथ हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं भगवान साक्षी गोपाल जी को जो भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनको पोशाक पहनाते हैं, उनकी ड्रेसिंग करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन टू द मोस्ट mesmerizing, I would say most beautiful darshans of Sakshi Gopal ji. हुआ ये था, ये है गोपाल जी। बोले गोपाल जी रहते थे वृंदावन में। एक जो बहुत ही रिच, can you hear me? Is the voice clear? एक बहुत ही रिच ब्राह्मण जो था, बहुत ही अमीर, वो यात्रा के लिए निकला हुआ था, ठीक है जी? जब वो यात्रा पीछे गोविंद कृष्ण महाराज बोल दिया जय हो। हरी बोल हरी बोल। जय जय जगन्नाथ। दिखा दे भाई दर्शन के आ रहे हैं। जय हो प्रभु जी आपके। जय हो प्रभु जी। जय भुवनेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लाइव लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। मैं आपको बता रहा था
कि ये गोपाल जी वृंदावन में रहते थे, एक बहुत ही बड़ा अमीर। आवाज नहीं आ रही, क्या आवाज नहीं आ रही? दे दो मेरे को, दे दो। श्री साक्षी गोपाल जी के मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ा हूं मैं। साक्षी गोपाल जी का मंदिर बहुत ही दिव्य है, और वो सारे भक्त जो गौड़िया हैं खासकर, और जो जगन्नाथ जी को बारे में जानते हैं, श्री ठाकुर जी के जो भक्त हैं, वो सब जानते हैं साक्षी गोपाल जी की महिमा कितनी है। मैं आपको लीला बता रहा था, और उसके बाद थोड़े से दर्शन, जितनी ज्यादा हम पास जा सकते हैं मैं प्रयास करूंगा आपको दिखाने के लिए। और हमारे साथ प्रभु जी भी जुड़े हुए हैं, जो भगवान साक्षी गोपाल जी को अपने हाथ से उनकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। प्रभु जी आप भगवान को श्रृंगार करते हैं और आप भगवान को भोग भी लगाते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे काफी सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा, बस दो मिनट में पहले थोड़ा सा लीला का स्मरण करा दूं सभी को। जी, ये प्रभु जी तो स्वयं भू है, विश्व ब्रह्मांड में एक ही जगह है, स्वयं भक्त के लिए गवाही देने के लिए, सत्य का प्रतिष्ठा करने के लिए स्वयं मथुरा वृंदावन से पैदल यात्रा करके अपने भक्त के मान की रक्षा के लिए आए थे। हर जगह पर विश्व ब्रह्मांड में देखेंगे राधे कृष्ण का मूर्ति जुगल होता है, साक्षी गोपाल धाम में प्रभु जी और राधा माँ का मूर्ति अलग अलग होता है। सेवा दासी के रूप में प्रभु के साथ में माँ जगधात्री माँ राधा रानी विराजमान किए गए हैं। तो आप जो कोई भी भक्त श्री जगन्नाथ का मंदिर कलयुग में श्रेष्ठ धाम होता है, जितने बार आप महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आएंगे, और साथ में जो जो तीर्थ स्थान का दर्शन करेंगे उसका समापन श्री जगन्नाथ में होता है, और सारे तीर्थ जात्र तीर्थ कर्म चारों वेद चारों युग का प्रभु ये स्वयं कृष्ण भगवान ही आपका साक्षी है, देने वाला ठाकुर है। एक बार इनके चरण का श्री चरण का दर्शन किए तो आपका सारे जीवन का सारे दुख कष्ट रोग निवारण, पाप जानत ज्ञान अज्ञान में जो पाप सर्वारिष्ट खंडन होता है, प्रभु जी आपको अपना शरण में स्थान देते हैं। हमेशा खुशी रखे, जीवन में एक बार अवसर मिले तो प्रभु का श्री चरण माँ राधा रानी का श्रीमुख का दर्शन करने जरूर आइएगा, आपका बड़ा सौभाग्य है। आपके महाराज ने आपको आज प्रभु का दर्शन किए, घर पे बैठिए, प्रभु को नमन कीजिए, हृदय से प्रणाम कीजिए, प्रभु आपका सारे मनोवांछा पूर्ण करेंगे, श्री जगन्नाथ दर्शन को साखी रहेंगे प्रभु। भक्त मंडली की जय रहे, भक्त मंडली को आनंद में रखे, महाराज को हमेशा खुशी रखे, ऐसे ही माँ राधा रानी प्रभु जी गोपाल का नाम संकीर्तन सारे विश्व ब्रह्मांड में कृष्ण भक्ति राधा भक्ति के रसमय प्रेममय भाव से प्रपार करते, कृष्ण राधा रानी का कृपा उन पर बना के रखे, हमेशा कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। समग्र भक्त मंडली की जय हो, साक्षी गोपाल माँ राधा रानी का जय हो, परिवार को निरोगी से रखे गोपाल जी, चक्र छाया करके रखे, भक्त मंडली को आनंद में रखते, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं आपको अभी लीला सुनाता हूँ, साक्षी गोपाल जी का लीला आपके रोंगटे खड़े कर देगी। प्रभु जी आपका मोबाइल नंबर मैं शेयर कर सकता हूँ, पूरे संसार भर से जो लोग आएंगे दर्शन करने के लिए साक्षी गोपाल जी को, वो आपको संपर्क करेंगे। आप अपना नंबर बोलिएगा। जी, मेरा नाम है सिंघारी पाटजोशी सिंघारी गिरिजा शंकर, और मेरा नंबर है 7978259475। मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ, सेवक भी हूँ, आप हमारे भक्त हैं, जो आएंगे आप हमारा अतिथि है, आप आइए खुशी होकर प्रभु जी का दर्शन कीजिए, भोग पूजा कीजिए, खुशी होकर जाइए, यही हमारा, आप लोग खुश रहेंगे तो प्रभु जी से हमारा यही विनती है। सारे भक्त मंडली को हमेशा खुशी रखे, अपना कृपा दृष्टि जय 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 श्री नंद लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, साक्षी गोपाल की जय। धन्यवाद प्रभु जी, एक बार मेरे को उनसे अपना नाम सुनना है। वो कितने प्रेम से साक्षी गोपाल जी के मंदिर के दहलीज पर खड़े होके जो उनके पुजारी जी के नाम मुख से नाम सुनने को मिल जाए, जीवन तर गया। प्रभु जी हम साक्षी गोपाल में इस कन का बनना हो। अच्छा हाँ। अच्छा जी जय हो। जितना दिल्ली पुणे कलकत्ता जितने कोई आते हैं सब आपसे मिलते हैं। आपका शुभ नाम? विश्वनाथ महापात्र। विश्वनाथ महापात्र जी, प्रभु जी आप मेरा नाम बोल दो एक बार, आप मेरे एक नाम बोल रहे थे ना, कृष्ण महाराज की जय। महाराज तो नहीं हूँ मैं, आपका दास हूँ। हमारा बेटा दिखाया आपको मोबाइल में, दिखाया देखो गोविंद कृष्ण महाराज आया दिल्ली से, भुवनेश्वर उतरा, भुवनेश्वर ग्राम बलराम मंदिर में दिखाया, जगन्नाथ का मंदिर के सामने जो ऊपर में वो क्या ऊपर में सब दिखाया। जय हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो मैं लीला सुनाता हूँ सभी को। अब देखिए लीला इस प्रकार है, मैं आपको बता रहा था, धन्य होगा हमारा जीवन, इट्स लाइक भगवान की कहानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बता रहा था, एक बहुत ही अमीर ब्राह्मण यात्रा पे निकलता है, वृंदावन पहुंचता है, तो रास्ते में एक जो गरीब एक यंग सा लड़का है, जवान सा लड़का, वो उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ लग जाता है। प्रसन्न होकर ये ब्राह्मण जो है, जो बड़ा अमीर था, पूरी से निकला था यात्रा के लिए वृंदावन में, वृंदावन पहुंचा था दर्शन करने के लिए। जब वो
अपनी यात्रा कंप्लीट करता है, तो ये बड़ा जो यंग सा लड़का है जो उनकी सेवा कर रहा था, उनके डेली पैर दबाता था, उनको आराम देता था, क्योंकि यात्रा में चल चल कर उनको क्या थकान हो जाती थी। तो प्रसन्न होकर इस ब्राह्मण ने क्या किया, वादा कर दिया कि मैं क्या करूंगा, आने वाले समय में अपनी जो बेटी है उसका विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। तो सत्य किया। हाँ जी हाँ जी। तो अब जब उन्होंने ये वादा कर दिया, तो ये जो लड़का है, जो जवान सा लड़का है, उन्होंने कहा कि आप तो बोल तो रहे हो, लेकिन अगर बाद में आप अपनी बात से मुकर जाओगे तो कौन कौन इस बात को साक्षी कौन देगा। तो वृंदावन में हमारे गोपाल जी थे, ठीक है, गोपाल जी के मंदिर में गए और उन्होंने क्या कहा कि देखो मैं भगवान के सामने तुम्हें वादा कर रहा हूँ कि जब मैं वापस अपने घर जाऊंगा तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से कराऊंगा। ये बात तय हो गई। कुछ समय के बाद वो लड़का आता है पुरी और उन ब्राह्मण से मिलता है और उनको अपने वादा का याद दिलाता है। अब ब्राह्मण तो चाहते थे कि अपनी बेटी का शादी मैं करा दूं, विवाह करा दूं इसके साथ करा दूं, लेकिन जो उनका बेटा था और जो उनकी पत्नी थी और घर वाले सारे के सारे वो कहने लग गए, अरे आप पागल हो गए हो क्या, आपने क्यों वादा कर दिया, आपने हमसे सलाह ली थी कि नहीं, ये तो कितना गरीब है, पता नहीं पढ़ा लिखा है भी कि नहीं, अनपढ़ है, गवार है, क्या है, आपने वादा कर दिया हम नहीं देंगे, भाई ने मना कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी नहीं कराऊंगा, घर वाले मुकर गए। अब क्या होता है, मैं आपको संक्षिप्त रूप में सुना रहा हूं सारी की सारी लीला। अब ये जो लड़का है वो भगवान गोपाल को पुकारता है, वो कहता है हे प्रभु मुझे शादी का ऐसे कुछ वो नहीं है कि मेरे को शादी करनी है, विवाह करना है, लेकिन क्योंकि आपके सामने सत्य किए थे, इन्होंने आपके सामने प्रण लिया था, वादा लिया था, आपकी जो बात है वो, देखो भगवान ने भी एक इंडिकेशन दे दिया, आपकी जो बात है वो झूठी नहीं पड़नी चाहिए, तो कृपया आप क्या कीजिएगा, आप मेरी सहायता कीजिएगा, आपको साक्षी देना पड़ेगा। तो इनका नाम था गोपाल और अब जो भक्त है वो प्रार्थना कर रहा है कि आपको साक्षी देने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा पूरी की ओर। अब गोपाल जी कहते हैं कि मैं कैसे चल सकता हूं, मैं तो विग्रह हूं, मैं थोड़ी ना चलता हूं, मैं तो एक ही स्थान पे रहता हूं। तो उस भक्त ने कहा कि प्रभु अगर आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो, प्रतिमा न अस्ति साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे नंदनंद, हे नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण, हे नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण, यदि आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो, तो कृपया आप मेरी इस प्रार्थना को मत ठुकराइएगा, आपको मेरे साथ चलना ही होगा सत्य का प्रतिष्ठा के लिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी जरूर। और इस ये जो प्रभु जी का लीला है उसमें मुख्य चीज है सत्य, और इसमें जो युवक ब्राह्मण ने उनको जो प्रभु जी से अपना अर्जी किए वो किसी अपने खुद के स्वार्थ के लिए किए थे, ये बोलते हैं कि हाँ जी जी वो बोलते हैं कि ये अपना निजस्व स्वार्थ के लिए नहीं किया था, उनका विवाह था, लेकिन वो मुख्य चीज थे कि प्रभु वो आपके सामने सत्य किए, अभी ब्राह्मण आपका अस्तित्व को निकाल रहा है, तो आप अपने सत्य के प्रतिष्ठा के लिए स्वयं कलियुग में आपको मेरे साथ में श्री जगन्नाथ धाम पुरी को साक्षी के रूप में चलना होगा। प्रभु बोलते हैं भक्त आप ईश्वर हो, हम आपके साथ में कैसे चल सकते हैं, तो भक्त को इसीलिए भक्त ने प्रभु जी को अपना मन और प्राण देकर आराधना किया, और भक्त बस चल भगवान भक्त का पीड़ा और नहीं सहन कर सके, तो दो सत्य रखे ब्राह्मण, ठीक है मैं सत्य के प्रतिष्ठा के लिए तुम्हारे साथ में उड़ीसा देश में जाऊंगा, लेकिन मेरा दो शर्त है, हाँ जी प्रभु दो शर्त है, आप आगे आगे चलोगे मैं तुम्हारा पीछे पीछे चलूंगा, उसका कारण तुम इन नसोर आंखों से मेरा दर्शन नहीं करना है आपको, ना प्रभु जी हजूर ये है, लेकिन आप हमारे पीछे आ रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा महाप्रभु, ना देखो भक्त मेरा हाथ में बंसी है, पैर में नुपुर है, उनका आवाज तुमको सुनाई देगा, तो तुमको सुन सुन के तुम मेरा पीछे चलना है, तो यहाँ तक प्रभु जी आए थे चल के, यहीं पर रत्नचीरा नदी था, इस जगह को गुप्त वृंदावन भी बोला जाता है, जैसे वृंदावन में ताल तमाल और बकुल तीनों पेड़ को आप एक साथ में देख सकते हैं, वृंदावन में ले साक्षी गोपाल धाम में आप ताल तमाल और बकुल पेड़ तीनों को देख सकते हैं, इसीलिए प्रभु जी को यहीं पर अपना धाम प्रतिष्ठा करने के लिए अपना मन में इच्छा जाहिर किए, जो नदी का बालू थे उसमें अपना नूपुर को प्रभु जी डुबा लिए,
तो जो ब्राह्मण इतना दूर से यहाँ तक प्रभु जी के साथ में चला आया था और उन्होंने आवाज सुन के, तो यहीं पर प्रभु जी को ना उनका आवाज सुनने दिया ना बंसी का मधुर आवाज सुनाई दिया, तो ब्राह्मण भ्रम में पड़ गया। ये प्रभु का लीला था, वो उनको यहीं पर रहना था, तो यहीं पर पीछे मुड़ के प्रभु को दर्शन कर लिया। तो प्रभु भक्त को बोलते, देखो भक्त, आपके साथ में सत्य का रक्षा के लिए मैंने आया था, और मेरा सत्य था कि आप मुझे पीछे मुड़ के दर्शन नहीं करोगे, तो आपने यहीं पर अपना सत्य भंग कर लिया, तो मैं यहीं से एक कदम और आगे नहीं जाऊंगा। तो अपने पूरी राजा को यहीं पर बुलाइए, फिर यहीं पर मैं अपना साक्षी धाम प्रतिष्ठा करूंगा। और उसी दिन से जो कोई भी महाप्रभु श्री जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आएंगे, हर बार आपको यहीं पर आके राधा रानी पवित्र जगद्धात्री का दर्शन करना है। गोपाल कृष्ण महाराज को दर्शन करने से आपका जगन्नाथ यात्रा सफल होता है, और ये तीर्थ का मान्यता है, और ये प्रभु जी स्वयं है। और यहाँ पर जो भक्त है, भाव होने से यहीं पर आप आ सकते हैं, मन और भाव होने से आपको प्रभु जी दर्शन देंगे, और आपके पास कुछ नहीं चाहिए, बस आपका समर्पण भाव प्रभु को समर्पण कीजिए, जहाँ पर भी है जहीं पर भी है। इस समय आप हमको देख रहे हैं महाराज के साथ में, वो भक्त है, अपना हृदय से प्रभु को अपना घर में से ही प्रणाम कीजिए। वो बांके बिहारी आपका जो भी हुजूर का आपका बात है, मन का बात यहीं से पूरा कर लेंगे। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। खासियत प्रभु जी की ये है कि एक सांस में ही सारी लीला सुना दी। हमारा मालिक है, हम उनका गुणगान करने में कोई काम नहीं रहो भैया, कोई काम नहीं रहो, हमारा तो कोई काम ही नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे ही कृष्ण प्रभु गोपाल सारे ब्रह्मांड में आप प्रभु का नाम को, ऐसे राधा रानी का नाम को, सारे भक्त मंडली, सारे मनुष्य के हृदय में प्रभु कृष्ण राधा रानी का प्रेम आपका संचार कीजिए। प्रभु आपको युग जन्म बनाए, काम मुख्य सब दिए, चतुर्भुज का फल प्राप्त कराए, फिर हमेशा कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, फिर शादी दे, फिर बहुमा जी लक्ष्मी नारायण राधे से हम जोड़ी के साथ में बुलाए, फिर हम आपके साथ में जाएंगे रानी बहु रानी, और आपको फिर प्रभु को माला पहनाएंगे, फिर आपको बहु रानी, फिर दोनों मिलके प्रभु को, बस प्रभु जी बस बच्चे, अरे सब कर देंगे। आप जो प्रभु जी के बारे में इतना बोला, प्रभु आपको नहीं देंगे क्या? वो आपको सब जानते हैं, सब पूरा कर लेंगे, कोई मांगने का जरूरत नहीं। बहुत सुंदर, वो अंतर्गत का अंतर्यामी, अंतर्गत हमारे मन में आने से पहले उनको पता चल जाता है कि हम क्या सोचने वाले हैं। अंतर्यामी नाम हमारो सब अंदर की जानो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा एक बात और है, और आखिर बात, ये गुप्त वृंदावन है, और यहाँ पर कोई प्रचार प्रसार नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ प्रभु उनका कृपा होने से आपको यहीं पर आने का अवसर मिलेगा। ना आप चाहने से आ सकते हो, ना किसी का बोलने से आ सकते हो, सिर्फ आप जब प्रभु जी को देखने के लिए अपना मन में इच्छा करेंगे और समर्पण के भाव में प्रभु को इच्छा करेंगे, तभी ये गुप्त वृंदावन में श्री गोपाल माँ राधा रानी का आपको दर्शन मिलेगा। और एक ही कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में जगद्धात्री पूजा होता है, उसी एक दिन माँ राधा रानी का पैर श्री साखी गोपाल धाम में दर्शन होता है, और बाकी 364 दिन आप आएंगे माँ राधा रानी का श्री चरण का दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको उस दिन में आना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। हमेशा खुशी रखे आपको, समग्र भक्त मंडली को आनंद में रखे, सारे मनोकामना पूर्ण करे, संपूर्ण परिवार के समेत श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, उसके बाद में साक्षी गोपाल में आइए, प्रेम से दर्शन कीजिए, गुरु जी के साथ में आइए, अकेले आइए, हमेशा आइए, कृष्ण का नाम लिए, प्रेम से रहिए, हमेशा खुशी रखे, मनसा पूरी करे गोपाल जी। जय जय श्री राधे श्याम। तो जगन्नाथपुरी में भी अगर आपको वृंदावन का एहसास चाहिए, है ना, श्री बांके बिहारी लाल की जय, नंद नंदन की जय हो, गोपाल की जय, तो आपको साक्षी गोपाल जी के मंदिर में आना पड़ेगा। जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, वापस आते हैं, बहुत सारे लोग पहले भी रुक जाते हैं, भुवनेश्वर से जब पहले आ रहे होते हैं पुरी की ओर, साक्षी गोपाल जी का मंदिर सेंटर में है। साक्षी गोपाल जी जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन में पूंछड़ी के जो लोटा है वो आपकी हाजिरी लगाते हैं कि आपने यहाँ पर आकर गिरिराज जी की परिक्रमा करी थी, उसी प्रकार हमारे साक्षी गोपाल जी जो है, उनका नाम गोपाल था लेकिन अपने भक्त के लिए उन्होंने साक्षी दिया कि हाँ, इन्होंने मेरे सामने ही वादा किया था कि अपनी बेटी का विवाह करवाएंगे, तो क्योंकि उन्होंने साक्षी किया था इसलिए उनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल। और मेरे पिताजी का नाम भी क्या है, परम पूज्य हिज ग्रेस साक्षी गोपाल दास प्रभु जी की जय। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, कि आप प्रभु जी हाथ में क्या लिखा हुआ है, आपने क्या हाथ में लिखवाया हुआ है? मैंने साक्षी गोपाल लिखवाया हुआ है अपने हाथ में, मैंने पिताजी का हाथ लिखवाया हुआ है, और यहाँ पर साक्षात भगवान जी खड़े हुए हैं। हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कैमरा एक बार फ्लिप करके जरूर दिखाता हूँ।
आप बैठे बैठे अपने घर में प्रणाम कीजिएगा साक्षी गोपाल भगवान को। ये स्वयंभू भगवान है, किसी ने भी इनको नहीं बनाया है। ये वृंदावन से चलकर यहीं पर आए हैं, खुद अपने भक्त के लिए चलकर आए हैं। द ओनली लॉर्ड श्री कृष्णा हु स्टार्टेड वॉकिंग फॉर हिज डिवोटी इज साक्षी गोपाल। ही इज हियर गिविंग यू दर्शन जस्ट 20 किलोमीटर्स बिफोर व्हेन यू रीच पुरी। तो ये मंदिर का एंट्रेंस है, लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन है। आप पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन करें। नीलाचल निवासाय नित्य परिमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है उन सभी लोगों के लिए जो कहते हैं कि यार भगवान पत्थर में नहीं है। बहुत बड़ा समाज भी है जो ये कहता है, जो मानता है कि भगवान पत्थर में थोड़ी ना हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान, हम तो पत्थर नहीं बोलते हैं, हम अर्च विग्रह कहते हैं। यहाँ पर भगवान विग्रह में तो है ही है, लेकिन साथ साथ वो चल भी रहे हैं, लीला कर रहे हैं। साक्षी गोपाल जी बहुत लंबे हैं, ही इज डार्क ब्लैक इन कलर। हम उनके पुजारी जी से पूछते हैं, प्रभु जी थोड़ा गोपाल जी के बारे में बताइएगा कि जब भी मैं दर्शन करने आता हूँ, अभी अभी प्रभु जी ने हमारे दर्शन करवाए, हमें तुलसी की माला मिली ठाकुर जी की, उन्होंने अपने ठाकुर जी के चरणों की तुलसी हमें दी, चंदन दिया। प्रभु जी गोपाल जी जो हैं बहुत ही लंबे हैं, उनकी बांसुरी भी मैंने कई बार देखा, मतलब बहुत लंबी सी उनकी बांसुरी है। थोड़ा उनके बारे में बताइए सबको जी। जी कैसा दर्शन होता है यहाँ पर, है ना? और आपने बताया था कि राधा रानी भी साथ में है, लेकिन बिल्कुल साथ में नहीं खड़ी हुई है वो, शी इज ऑन द साइड, मतलब उनके जुगल मूर्ति नहीं। हाँ, जुगल मूर्ति नहीं है, एकदम एक साथ नहीं खड़े हुए हैं, शी इज ऑन द साइड। तो प्रभु जी से पूछेंगे एक बार, बताइए प्रभु जी। जी प्रभु जी यहीं पर, तो प्रभु जी तो यहीं पर स्वयं आए थे, अकेले आए थे, और राधे के कृष्ण, राधे के बिना कृष्ण महाराज हमेशा अधूरा होते हैं। तो यहीं पर जब आए तो प्रभु जी को अपने पुरी का राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि हम तो प्रभु राधा रानी को श्री वृंदावन धाम में छोड़ के चले आए हैं, और राधे के बिना कृष्ण हमेशा अधूरा रहते हैं, तो आप कृपा करके एक राधा रानी का सुवर्ण का विग्रह आप बगल में मंदिर के साथ में प्रतिष्ठा कीजिए। तो प्रभु के स्वप्न के आदेश के जरिया से पुरी का राजा श्री पुरुषोत्तम देव जी महाराज तो माँ राधा रानी का मूर्ति यहीं पर प्रतिष्ठा की है। और यहाँ पर जो मुख्य सेवक थे उनके उसी समय में, उनका जो बेटी है लक्ष्मी रानी, तो वो प्रभु जी को अपना नाथ मान चुके थे, अपना हृदय और प्राण से उनको अपना आप समर्पण कर दिए थे। तो जब मंदिर का श्री विग्रह का प्रतिष्ठा हो रहा था, तो उनका आत्मा माँ राधा रानी का श्री चरण में लीन हो गया, तो इनको लक्ष्मी प्रतिमा भी बोलते हैं। तो कार्तिक मास महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में यहीं पर लक्ष्मी नारायण का बेस अनुष्ठित होता है। तो हर जगह पर विश्व ब्रह्मांड में राधे और श्याम दोनों प्राण संगिनी प्राण प्रिय के रूप में खड़े हैं, लेकिन साक्षी गोपाल विश्व ब्रह्मांड में एक ही जगह है जहाँ पर माँ राधा रानी स्वयं जगधात्री, स्वयं आदिनंदन श्री कृष्ण मुरारी का सेवा दासी, दासी के रूप में खड़े हैं। और ये भव्य और दिव्य अनुभूति सिर्फ आपको साक्षी गोपाल में मिलता है। प्रभु जी का सारे पूजा कर्म दिन में 6 बार का प्रभु जी का श्रृंगार होता है, 7 बार का भोग लगता है, सुबह से लेकर अवकाश मंगला आरती से लेकर मैनव, फिर उसके बाद में राजवेश, फिर उसके बाद में बल्लभ का भोग, द्वारपाल भोग होता है, उसके बाद में प्रभु जी का राजभोग होता है। तो यहाँ पर चावल का प्रसाद नहीं है, क्योंकि प्रभु जी सत्य करके आए थे, यहाँ पर सिर्फ गेहूँ, जैसे यूपी मथुरा वृंदावन जो धाम में है, श्री धाम गोकुल धाम में जैसे ही प्रभु जी को भोग लगता है, यहीं पर धाम में सिर्फ सूखा प्रसाद लग रहा है, चाहे वो गेहूँ आटा घी शक्कर छेना नैवेद्य जायत्री 9 प्रकार से मिलता है। हम लोग प्रभु जी को अपने हाथ से प्रस्तुत करते हैं, सेवा करते हैं, और 7 बार 6 बार का श्रृंगार में 2 बार राजवेश बनता है, पाट पीताम्बरी, हाथ में बंसी, कान में कुंडल, नाक में गजबुक्ता, हीरे का अंगूठी, पैर में कंकन, मुक्तेश्वरी, चापसरी, जय हो, 16 श्रृंगार बनता है। आप देखेंगे आप अभिभूत हो जाएंगे। और ये भाव, ये सब सुंदर आकर्षण सिर्फ साक्षी गोपाल में मिलता है, कृष्ण भगवान एक ही जगह है। इसीलिए बिना प्रचार बिना प्रसार और सारे असुविधा के बाद में भी भक्त जो एक बार आया इनको दर्शन किया वो जिंदगी भर कभी नहीं भुला सकता है। जितने बार प्रभु खुद आप
अभी आप घर में है, आप अपना मन में प्रभु को दर्शन करने का इच्छा करो, देखेगा प्रभु जी आपको बुलाएगा। ये सत्य है और भक्ति और विश्वास होना चाहिए। भक्ति और विश्वास के साथ में आप जो बोलेंगे और यहीं पर पूर्ण होता है और पूर्ण होता रहेगा, क्योंकि ये देने वाला है, उनसे बड़ा दाता कोई नहीं है और इनसे वाला छीनने वाला भी कोई नहीं है। गर्व अहंकार से प्रभु जी, जब गर्व अहंकार में आ जाते हैं सब छीन लेते हैं। भाव के साथ सारा पृथ्वी मांगोगे, विश्व ब्रह्मांड मांगोगे, वो आपको दे देंगे। बहुत कपटी भी है, बहुत प्रेमी भी है, बहुत आशीर्वाद भी करते हैं, बहुत दंड भी देते हैं। सब तरह का भाव का प्राप्त यहीं पर होगा। और ये प्रभु जी है, और ये जो मंदिर है बगल में राम जी का मंदिर, सब श्री राम जी का मंदिर है ये। इसको प्रभु आदि गुरु शंकराचार्य देव जी महाराज पीठाधीश्वर इसको प्रतिष्ठा किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारा टेलीग्राफी का तो इजाज़त नहीं है, तो यहीं से दर्शन कीजिए। अंदर में रामेश्वरम भगवान जी का मंदिर है। बस बोल, आप लोग को आनंद में रखे, संपूर्ण परिवार को निरोगी से रखे, सारे भक्त मंडली की जय हो, महाराज की जय हो, बाबू का जय हो। फिर ऐसे बुलाते रहे, कृष्ण भक्ति राधे प्रेम को सारे विश्व ब्रह्मांड समुद्र जगत में आप प्रचार करते रहे। आपको बहुत सुंदर, बहुत 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 आनंद, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। ही इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव और श्री साक्षी गोपाल जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद। राधे कृष्ण, पता नहीं किन शब्दों से करें, बहुत बहुत आनंद। अब मैं थोड़ा सा सबको और दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि अगले लाइफ पे जाना है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, साक्षी गोपाल जी के मंदिर में खड़े होकर जितने भी लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं और मैसेज करते हैं कि प्रभु जी आपने यूट्यूब से कितना पैसा कमा लिया है, मैं साक्षी गोपाल जी के मंदिर पे सामने खड़े होकर साक्षी दे रहा हूँ, अभी तक मैंने एक भी पैसा यूट्यूब से नहीं कमाया है, एक भी पैसा। भगवान साक्षी दे रहे हैं, अभी तक मेरे पास एक भी पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। नंबर टू, मैं साक्षी देना चाहता हूँ, उन कुछ भक्तों का नाम देना चाहता हूँ हु हैव एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू मी। मैंने कुछ दिन पहले लाइव में कहा था कि मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास गैजेट्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है, ट्रैवलिंग में वी हैव टू स्पेंड सो मच मनी। अभी भी हम 25 किलोमीटर करके गाड़ी करके ही आए हैं, किसी ने तो पैसे दिए होंगे, है ना, इट टेक्स मनी, वापस जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ, ट्रैवल का, स्टे का। देयर आर सो मेनी नाइस डिवोटीज हु लेट अस कम इनसाइड देयर होम्स एंड दे यू नो गिव अस प्रसादम, दैट्स देयर लव, दैट्स देयर यू नो आई वुड से ब्लेसिंग्स। साक्षी गोपाल जी के मंदिर के सामने खड़े होकर मैं साक्षी, मतलब भगवान के सामने मैं ये बोलना चाहता हूँ, आराध्या जी हैं, एक माता जी हैं जिन्होंने कल ही मेरे को मैसेज किया, अद्वैता माता जी हैं, उन्होंने मेरे को कल आई थिंक हैदराबाद से मैसेज किया, मैं भगवान के सामने आपका नाम ले रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को इंस्टाग्राम पे एक डिवोटी ने मैसेज किया था कि प्रभु जी लेट्स स्टार्ट, और अपने सारे GKDNs के लिए भी मैं साक्षी दे रहा हूँ यहाँ पर कि आई एम गोइंग टू प्रे ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, आई एम गोइंग टू पे माय प्रणाम्स, ताकि साक्षी गोपाल जी आपको जल्दी बुलाएं। इंस्टाग्राम पे भी एक डिवोटी ने कमेंट किया था कि प्रभु जी प्लीज टेल अस हाउ वी कैन हेल्प यू, एंड आई मीन बेसिकली आई कैन जस्ट रिमेंबर 3 डिवोटीज राइट नाउ हु हैव कम फॉरवर्ड टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट एंड हेल्प। इट्स नॉट दैट आई एम आस्किंग फॉर सपोर्ट, आई एम आस्किंग फॉर हेल्प, इट्स जस्ट दैट व्हेन यू सी सच डिवोटीज हु आर रेडी टू स्टैंड फॉर यू एंड सपोर्ट फॉर यू फॉर द सर्विस दैट यू आर डूइंग, इट फील्स रियली नाइस। तो साक्षी गोपाल जी के मंदिर में मैं गोपाल जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप ऐसे भक्तों को निश्चित रूप से लंबी आयु देना, आप उनको यशस्वी जीवन देना, गिव देम गुड हेल्थ, प्लीज ब्लेस देम विद योर मर्सी एंड ऑलवेज इंगेज देम इन योर डिवोशनल सर्विस। दिस इज योर सर्वेंट गोविंद कृष्ण दास बेगिंग इन योर लोटस फीट। मैं आप कैमरा घुमाऊंगा, अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप साक्षी गोपाल जी के मंदिर के दहलीज पर खड़े होकर, ये श्रद्धा की बात है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिन श्रद्धा के भगवान सामने भी खड़े हो जाएंगे तब भी आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इस भक्त के हृदय में इतनी श्रद्धा है कि उसने भगवान को चला दिया, भगवान को चला दिया, भाई साहब छोटी बात है, भगवान को वृंदावन से चलकर यहाँ जगन्नाथपुरी में आना पड़ गया। कितनी श्रद्धा होगी, कितनी अटूट विश्वास होगा कि अवश्य रक्षति इति कृष्णा, कि कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, कृष्ण मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसी अटूट श्रद्धा हम में आ जाए, कृष्ण आपके लिए भी चलने को तैयार है, कृष्ण आपकी सुनेंगे, कृष्ण आपके साथ खेलेंगे, कृष्ण आपके साथ मुस्कुराएंगे, कृष्ण आपको गोदी में खिलाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। दर्शन कर लीजिएगा गोपाल जी के, साक्षी गोपाल जी के प्रसाद के दर्शन कर लीजिएगा, और उसके बाद मैं निकल लियो ठीक है। एक दो चीज़ और बता देता हूँ, मेरा जो एक ट्रैक आया है तेरा शुक्रिया है,
साक्षी गोपाल जी का ही शुक्रिया है और उनके मंदिर के सामने ही साक्षी दे देते हैं कि हे प्रभु बड़ी मेहनत लगी है, तो जैसे आप चाहें वैसा उसका उसका रिजल्ट हो। लिंक दे रखा है, पहली बार मेरी टीम ने मेरे से बिना पूछे और बिन बताए लिंक डाल दिया है यहाँ कमेंट में। ये साक्षी गोपाल जी की पावर है कि मेरी टीम आज अलर्ट है। आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर जाकर उस टीजर को देख लीजिएगा। 14th को वैलेंटाइंस डे है, लेकिन वैलेंटाइंस डे से एक दिन पहले रात के 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपका शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ठाकुर जी का शुक्रिया का एक ट्रैक डाल रहा हूँ। एक दिन पहले क्यों डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, हम सभी को ये पता लगे, याद रहे कि असली वैलेंटाइंस डे किसके साथ मनाना चाहिए, कौन हमारे प्यार का विश्वास का हकदार है, वो है गोपाल जी, साक्षी गोपाल जी। सो 13th February 8 PM ऑन माई यूट्यूब चैनल माई नेक्स्ट ट्रैक इज रिलीजिंग। एक अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट, आज रात को 9 बजे, 9:30 बजे नहीं, रात को 9 बजे मैं श्री मंदिर से, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से बिल्कुल बाहर आकर आपको पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊंगा। जितना क्लोज, पहला लाइव मेरा दूर से था, है ना, रूफ टॉप से था। आज रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल मंदिर के साथ पास में जाके आपको पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊंगा और कुछ गीत जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए गाऊंगा। लेकिन दैट्स गोइंग टू हैपन ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। इफ यू आर नॉट ऑन माय इंस्टाग्राम यू विल नॉट बी एबल टू वॉच इट। से जय जगन्नाथ। राधे राधे। जय जगन्नाथ। राधे राधे भी बोल दिया। हाउ स्वीट। आप वृंदावन की हो, फिर तो फिर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुछ दिख भी नहीं रहा, एकदम काला काला हो गया। आप प्रॉपर वृंदावन की हो, तो फिर तो कुछ गा दो आप सभी के लिए। अच्छा एक बार राधे राधे फिर से बोल दो। राधे राधे। बहुत प्यारी लाली है, लाली बोलते हैं वहाँ ब्रिज में, लालो और लाली, ठीक है। कारो कलुटो छोरो की याद आ गई मेरे को। जय हो। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे नहीं हो, गो देयर 9 PM, वॉच एक्सक्लूसिव लाइव दर्शन फ्रॉम श्री मंदिर एंड ऑल्सो हियर टू सम भजन्स दैट आई एम गोइंग टू सिंग फॉर द प्लेजर ऑफ जगन्नाथ इन जगन्नाथपुरी धाम, राइट इन फ्रंट ऑफ श्री जगन्नाथ मंदिर। तो आप प्लीज कोई लिंक कमेंट कर दें, मेरी टीम प्लीज लिंक कमेंट कर दें इंस्टाग्राम पेज की। दर्शन कीजिए साक्षी गोपाल जी के मंदिर के और उसके बाद प्रसाद के आपको दर्शन कराता हूँ। उसके बाद अगला जो लाइव है वो है 3 बजे है, लोकनाथ स्वामी जी। लोकनाथ स्वामी जी जो है ये भगवान शिव जी के मंदिर है, ये जगन्नाथ जी के बड़े भाई कहलाते हैं। ही इज द एल्डर ब्रदर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, वेरी पावरफुल, पंच तीर्थों में से आते हैं ये। तो अगला जो लाइव है वो 3 बजे से आएगा। साक्षी गोपाल की जय हो। जय हो। यहां तक जा सकता हूं मैं, यहां तक। जय हो। आप सभी भी प्रणाम कीजिए और साक्षी जी दिए। ओके, क्विकली राइट योर नेम, क्विकली राइट योर फैमिली मेंबर्स नेम, so this will act as you know as a witness that you have also taken darshans with me, praying on behalf of all the devotees around the world who are preaching, spending their life day and night trying to preach the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu, paying my obeisances on behalf of my spiritual master His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, all the sannyasis, all the devotees और विस्कॉन, सभी संत समाज की ओर से, भक्तों की ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। स्पेशल प्रेयर्स एंड प्रणाम्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी जिकेडियंस। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साक्षी गोपाल जी ये है गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ के बिल्कुल पीछे हैं साक्षी गोपाल जी, स्वयंभू भगवान जो चल कर आए हैं वृंदावन से। नाम गोपाल था, बाद में पड़ गयो साक्षी गोपाल। चलिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। एक बार पूरा मंदिर दिखा दें। ये है श्री राम मंदिर। जब आप आएंगे यहाँ पर साक्षी गोपाल जी के मंदिर, आप दर्शन जरूर करिएगा। कुछ प्रसादम के आपको दर्शन करा देते हूँ। जय जगन्नाथ प्रभु जी। राधे राधे। अच्छा आई थिंक यहाँ पर सब राधे राधे बोलते हैं बिकॉज गोपाल जी वृंदावन से आए हैं, है ना। ठीक है ठीक है। ये खाजा प्रसाद है प्रभु, 56 भोग। हाँ एक बजर सबके नाम बताएंगे आप हमें। आइए ये खाजा है। आइए ये क्या है? चाट बंगा।
डालिम दांत भंगा, इसको दांत भंगा, ये घी गेहूं शक्कर से बनाया जाता है, घी गेहूं शक्कर से, गुड़ से दांत भंगा है। ये स्पेशल प्रसाद है साक्षी गोपाल, सिर्फ साक्षी गोपाल में मिलेगा। ये प्रसाद सिर्फ साक्षी गोपाल जी में मिलता है। एक हम ले लें? जी जरूर लीजिए। और क्या है ये क्या है? ये तो सब मिक्स है, सब मिक्स है, सब ये सब मिक्स है। लेकिन ये क्या चीज है प्रभु जी? ये इसको क्या बोलते हैं आप? इसको लाई बोलते हैं, लाई बना, लाई लाई को सीरा देकर उसको बनाया जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा, राधे राधे, ठीक है, बहुत सुंदर। राधे राधे बोलो प्रभु, राधे राधे बोलो महाराज। आज थोड़े से गंभीर हैं सभी भक्ति। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलिए, चलो सभी साक्षी गोपाल जी के मंदिर सामने खड़े होकर 3 बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को मिले श्री वृंदावन धाम, सभी को मिले जगन्नाथपुरी धाम, सभी को मिले द्वारका धाम, सभी को मिले बद्रीनाथ धाम, सभी को मिले केदारनाथ धाम, सभी को मिले कुरुक्षेत्र धाम, सभी को मिले श्री मायापुर धाम, और जोन सा धाम आप जाना चाहते हो सभी को मिले वो धाम। आपका दास गोविंद कृष्णदास जीकेडी, मिलते हैं 3 बजे और उसके बाद रात को 9 बजे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। कंगी कर ले। राधे राधे, साक्षी गोपाल जी की जय हो।